अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं वेज शेजवान फ्राइड राइस, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने ये बर्तन लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप तेल डाल देंगे। अंदर हम 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 3 हरी मिर्च जिसको हमने बारीक काट लिया है वो भी डाल देंगे। एक बड़ी प्याज को हमने इस तरह से चॉप कर लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने थोड़ा फ्राई कर लिया, इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गाजर जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया है। गाजर को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। गाजर को हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकाया। 1 कप हम शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे और 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 4 मिनट हम इन वेजिटेबल्स को पका लेंगे। मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। एक टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। एक टेबलस्पून रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस डालने के बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून शेजवान चटनी डाल देंगे। हमने रेडीमेड शेजवान चटनी ली है, आप होममेड शेजवान चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कितना टेस्ट पसंद है उसके हिसाब से आप शेजवान चटनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेजिटेबल्स अब अच्छे से कुक हो चुके हैं, अब हम चावल को पका लेंगे। अब हम इस बर्तन में फ्राइड राइस के लिए चावल बॉईल कर लेंगे। हमने ये पानी लिया है। फ्राइड राइस के चावल बॉईल करने के लिए हमने इस बर्तन में पानी लिया है, 12 कप हमने पानी लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून विनेगर। क्योंकि हमने 750 ग्राम चावल लिए हैं इसीलिए हम 2 टेबलस्पून नमक डाल रहे हैं, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। पानी को हम अच्छी तरह बॉईल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें चावल वॉश करके डाल देंगे। पानी अब अच्छा बॉईल हो चुका है, चावल को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम चावल इस पानी में डाल देंगे। चावल को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। चावल अब अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। चावल को हम छानने के बाद वेजिटेबल्स में डाल देंगे। इस तरह से हमने पूरे चावल को छान के इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें रेड फूड कलर डाल देंगे। अब हम चावलों को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने वेजिटेबल्स के साथ चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। वेज शेजवान फ्राइड राइस बनकर रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।